भगवान कैसे दिन आ गए। पूछ रही हूँ आपसे कि आप मुझे कौन से कर्मों की सजा दे रहे हो। मेरा इतना बड़ा परिवार है, दो बच्चे हैं, दो बहुएं हैं और उनके भी लड़के लड़कियां हैं, लेकिन आप मुझे कौन से कर्मों की सजा दे रहे हो कि इतने बड़े घर में मुझे अकेले छोड़कर आप दे रहे हो। मुझे एक बेटा मेरा अमेरिका है, वो तो जाने दो कि अमेरिका है तो वो इतना नहीं आ सकता है, लेकिन दूसरा बेटा तो इधर ही पास में ही रहता है, वो भी 1 किलोमीटर दूर ही रहता है, लेकिन नहीं वो कभी मुझे मिलने आता है, बस पैसा भेज देता है। तो फिर अमेरिका वाला लड़का और इंडिया वाले लड़के में क्या फर्क है जो 1 किलोमीटर पास में रहता है वो, और वो भी मिलती है मार्केट में तो कभी बुलाती भी नहीं है, जैसे नहीं पहचानती है वैसे वो कर देती है, ऐसा मुंह लटका के चली जाती है। पोते पोती को खिलाने खेलने के लिए मैं बोलती हूँ कि भेजो उनको, मेरे को खिलाने दो, लेकिन बहू क्या करती है, बेचती नहीं है, बोलती है दादी के पास नहीं जाने का। अभी मुझे बोलो मेरा क्या गुनाह है। बिरजू के पापा आप मुझे वहाँ आपके पास बुला लो, मैं बहुत कंटाल गई। Thank you.
चलो बिरजू को फोन लगा लेती हूँ अभी। हेलो। हाँ कौन बिरजू बेटा? हाँ मम्मी बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, क्या है? अरे एक दो मिनट सिर्फ बात कर लो ना मेरे से। अरे रोज रोज फोन करती हूँ तो एक ही बोलता है तू कि मेरे को टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे यहाँ पे कितना काम है, तुम बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? मम्मी फोन रखो, चलो मेरे पास टाइम नहीं है। अरे तुम घर तो नहीं आते हो लेकिन दो मिनट एक सिर्फ बात कर ली तो क्या फर्क पड़ता है? एक दो मिनट सिर्फ मम्मी से बात कर लो तुम्हारी। एक तो बहू को नहीं भेजते हो, पोते पोती को भी नहीं भेजते हो, और इतना पास में रह के भी तुम नहीं आते हो, और एक दो मिनट बात कर लो तो क्या ये होता है? मैंने ऐसे ही तुमको संस्कार दिए है, इतना पाल पोस के तुमको बड़ा किया लेकिन कुछ नहीं फायदा, मेरे संस्कार ही खराब है। मम्मी मैं फोन रख रहा हूँ, तुम फोन काटो, मुझे सब फालतूगिरी नहीं सुननी है, चलो मेरे पास टाइम नहीं है, चलो बाय, टेक केयर। अरे आज भी इसने फोन काट दिया, रोज रोज ऐसे ही करता है। जाने दो, अभी बहू को करती हूँ फोन, वो तो कम से कम उठाएगी। ये क्या, बहू ने भी फोन काट दिया? अरे थोड़ा तो भरोसा बहू पे भी था लेकिन बहू भी ऐसी निकली। मुझे तो लगा कि बहू मुझे, भले अपना लड़का ऐसा है लेकिन पराई घर की जो बहू आई है वो मेरा तो दुख दर्द समझेगी, लेकिन उसने भी फोन काट दिया। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। जाने तो बहुत अकेली हो गई हूं मैं। शायद इसीलिए इनके लिए मैंने इनको पाल पोस के बड़ा किया। अरे भगवान मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौशल्या कौन है? कौन है? मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। जब बोल रही थी कि इतना सब मत कर बच्चों के पीछे, लेकिन नहीं, अपने को तो क्या, तू तो सबका बर्तन करके, घर का सबका काम करके बच्चों को तूने पढ़ाया, ये किया, अपने पैरों पे खुद तूने कुवारी मारी है। अभी वो कर्मों की सजा तू भुगत, बस इसी में जी और इसी में मर। हा हा। Okay.